तीन राज्यों में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, आरोप के आधार पर बुलडोजर चलाना गलत। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से वक्त मांगा, 9 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। जमीयत ने कहा बुलडोजर एक्शन पर तत्काल रोक लगाई जाए। दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में आप विधायक अमानतुल्ला खान गिरफ्तार, ईडी सुबह से कर रही थी पूछताछ। आम आदमी पार्टी बोली ये सरकार की गुंडागर्दी है, हम डरेंगे नहीं। बीजेपी ने कहा आम आदमी पार्टी में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की जमात है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अब कांग्रेस का बड़ा आरोप, आईसीआईसीआई बैंक से भी सैलरी ले रही थी सेबी चीफ, अपने पद का किया दुरुपयोग, कई जगहों से मिली सैलरी, ये शतरंज कौन खेल रहा है? क्या पीएम को थी जानकारी? सेबी चीफ को बचा कौन रहा है? कांग्रेस ने पूछे सवाल। शिक्षक भर्ती पर लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान हंगामा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, अभ्यर्थियों ने कहा कोर्ट के आदेश का पालन हो। जम्मू के सुजवा मिलिट्री बेस पर आतंकियों की फायरिंग, एक जवान जख्मी, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तर भारत के बाद अब दक्षिण में सैलाब से हाहाकार, तेलंगाना के महबूबाबाद में रेलवे ट्रैक के नीचे की जमीन बह गई, वारंगल खम्मम रेल रूट पर यातायात ठप, आंध्र प्रदेश में भी बारिश से तबाही।